मानी पहला चेक कितने का था और कहाँ से मिला था तुम्हें? इंडस्ट से मिला होगा? नहीं, इंडस्ट्री विजन तो बाद में आया, मैं पीटीवी सीटीवी ये जो टेली वर्ल्ड वाला इनके साथ करता था ना, गजनफर साहब के साथ। हाँ। तो मेरा चेक था, मेरा था एफएम 100 का 9000। नहीं, उससे पहले मैंने जॉब की है एक पल्स ग्लोबल में 2-3 महीने के लिए। अच्छा। जो कि मेरी बहन वहाँ पे एक ठीक ठाक बड़े लेवल पे जॉब करती थी, मेरे अब्बू भी वहाँ, ये जो आप देखती ना ट्रांसलेशन आती थी हमारी फिल्में आती थी। हाँ। कि बदतमीज गाली चलती थी ऊपर से, वो बोलता था नीचे जाता था बदतमीज। अच्छा। तो ये सारी ट्रांसलेशन मेरे अब्बू उसका डिपार्टमेंट हेड करते थे। अच्छा। और अबू वो भी करते थे, अबू हाँ। अबू की अंग्रेजी अच्छी थी बहुत ज़्यादा, तो हाँ। वो ट्रांसलेशंस और ये भी करते थे। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि मैं मैट्रिक के बाद, उन्होंने कहा कि लग जाओ कोई ऐसी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मैंने वहाँ आर्ट डिपार्टमेंट में जॉब की और मैं बहुत सहम गया था उस जॉब से। तो मेरा ख़त्म ऐसे हुई थी जॉब कि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था और जुगाड़ करके क्रिकेट के मैच के टिकट आ जाते थे मेरे पास। इंडिया आई थी 98 में पाकिस्तान, तो मेरे पास पाकिस्तान इंडिया के मैच के टिकट थे। तो मेरे जो वो थे ओनर जो कंपनी के मालिक थे, खालिद रंगून वाला, जिनके ये हॉल शॉल रंगून अच्छा, वाला हॉल अच्छा, ये बहुत बिग शॉट्स हैं। तो खालिद रंगून वाला ने बोला कि कल सब आएंगे ऑफिस और जो नहीं आएगा वो जाएगा। उनको पता था मैच है, उनको मैच का इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मुझे याद है सेकेंड इनिंग में मैं भाग गया था ऑफिस छोड़ के, मैंने कहा भाड़ में जाएगी क्रिकेट के शौकीन हमेशा। तो फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया था, उन्होंने कहा कि मैं तुम कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे बोलते था तुम जो है ना तुम कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, फारिग है ये, तुम थिएटर वेटर करता रहता। उन्होंने दिया पैसे तुम्हें? उन्होंने जो पैसे नहीं, चेक दी, वो 3000 का चेक था। अच्छा। 3000 की जॉब थी। ओके। तो वो उन्होंने चेक दिया मुझे। हाँ। और वो भी मेरा उधार था सामने वाले चाय वाले से, तो मैंने उसके पहले 400-500 रुपए उसके दिए। ओके। तो बाकी पैसे मेरे पास रहे क्योंकि वो 3000 रुपए ज्यादा होते थे। तो वो मैंने जॉब छोड़ के मैंने सुकून के साथ लिया। फिर ऐसे नहीं ने मुझे बोला कभी जिंदगी में जॉब नहीं करना, मेरे जो उस्ताद ऐसे नहीं जो थे उस वक्त, तो मैंने कभी जॉब नहीं की जिंदगी।